WWE ने खेल दिया है बहुत बड़ा गेम। ओए फिन बैलर, मैं तुझे बहुत मारूंगा। पूरे WWE फैंस को बस एक ही मैच देखना है, वो है जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस समर स्लैम में। मित्रों पर WWE तो सभी का पागल बना रही है। ये मैच पब्लिक इसलिए भी देखना चाहती है क्योंकि जॉन सीना नो मर्सी में रोमन रेंस से हार गए थे, पर जॉन सीना जाने जाते हैं अपने कमबैक के लिए। पर इस बार बीच में आ गए फिन बैलर। जब जॉन सीना ने समर स्लैम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया तब लगा कि फिन बैलर अब इन दोनों के मैच के बीच में नहीं आएंगे, पर इस हफ्ते फिर से फिन बैलर आके मैच मांगने लगे। और रोमन रेंस ने अंदर जबी जबी सिंघम मूवी देखी थी तो रोमन रेंस ने खुद ही सिंघम बन के फिन बैलर की खूब धुनाई कर दी। अब अगर जॉन सीना चाहते हैं कि उनका मैच रोमन रेंस से 1-on-1 हो और वो भी समर स्लैम में, तो जॉन सीना को फिन बैलर से स्मैकडाउन में मैच करके फिन बैलर को हराना पड़ेगा, या फिर जैसे इस हफ्ते रोमन रेंस ने फिन बैलर को धोया ऐसे ही जॉन सीना को भी फिन बैलर को धोना पड़ेगा। पर जिस तरह से अब फिन बैलर बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रहे, देख के ऐसा लगता है कि शायद WWE समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेड मैच भी करवा सकती है। और देख के ऐसा लग रहा है शायद रोमन रेंस खुद ही ये चाहते हैं कि फिन बैलर भी समर स्लैम में आए। पर अगर ये मैच ट्रिपल थ्रेड होता है तो जॉन सीना के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फिर रोमन रेंस फिन बैलर को हराकर समर स्लैम में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर लेंगे। पर यही रोमन रेंस के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि जॉन सीना फिन बैलर को AA मारकर जीत ले मैच और बन जाए नए यूनिवर्सल चैंपियन। पर अगर समर स्लैम में सिंगल मैच होगा जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस, तो जॉन सीना रोमन रेंस को हराने वाले हैं और बनने वाले हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। और इस हार के बाद रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और हो सकता है कि रोमन रेंस पॉल हैमन का साथ भी छोड़ दे। कमेंट में ज़रूर बताइए आप किसके साथ हैं, जॉन सीना या फिर रोमन रेंस।